नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। सगमा से संवाददाता राजू रंजन की रिपोर्ट। विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर सोमवार को प्रखंड के सगमा कटहर कला सोनडीहा घगरी पंचायत सचिवालय आंगनवाड़ी केंद्र सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित कर स्वच्छता का संदेश देने एवं जागरूकता लाने के लिए हाथ धुलवाए गए। मुखिया एवं प्रखंड समन्वयक ने आंगनवाड़ी केंद्र में अध्ययनरत बच्चों और उनके परिजनों को बुलाकर हाथ धोने के तरीकों से अवगत कराया। बच्चों को हाथ धोने के फायदे बताए। इसके अलावा हर दिन नहाना, नाखून काट कर रखने सहित स्वच्छता और सफाई बरतने के लिए उन्हें प्रेरित करते हुए अलग अलग स्टेप के बारे में प्रयोग करके बताया गया। उसका फिर इस तरीका से करेंगे, ठीक है? इधर देखिए, इस तरीका से करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, फिर इस तरीका से करेंगे इसे, ठीक है? फिर आठ प्रकार के है, लेकिन इसमें पांच प्रकार के लिखा हुआ, इसको समझिए। इस तरीका से किए, उसका फिर इस तरीका से करेंगे, फिर इस तरीका से करेंगे, नाखून में जो है ना गंदगी वो भी निकल जाए, ठीक है? इस तरीका से इस दौरान इस दिवस का उद्देश्य बहुत व्यापक है। केवल हाथ धोना पर्याप्त नहीं है, हाथ कब और कैसे धोया जाए यह बात मायने रखती है। सफाई को जनता अपनी दिनचर्या बनाए, खुद भी सफाई रखें और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि गंदगी की वजह से कई तरह की संक्रामक बीमारियां होती हैं। सफाई रखकर हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। सभी पंचायत वासियों को कतार में खड़ा कर उन्हें एक एक कर हाथ धोने का सही तरीका बताया गया। आज विश्व हाथ धुलाई दिवस है और ये हम लोग का जो प्रोग्राम है पूरे ब्लॉक में, आंगनबाड़ी में, और जहाँ पर दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है, जैसे जहाँ पर मूर्ति रखा हुआ है वहाँ पर भी जा करके हम लोग को पंचायत भवन में ये सब जगह पर जा करके लोगों को जागरूक करना है हाथ धुलाई के बारे में, कि हाथ कैसे धोना है और हाथ धुलने से क्या फ़ायदा है। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हाथ धुलने से लगभग 40% बीमारियों की कमी होती है हाथ धुलाई करने से। हाथ कब कब धुलना है, खाना खाने से पहले और शौच करने के बाद, और खाना, खास करके महिलाओं को खाना बनाने से पहले भी हाथ धुलना चाहिए, और इससे जो है स्वस्थ एक जिंदगी कटेगा। बस हम इतना ही कह करके अपनी बात को सौंप। इस मौके पर विभिन्न पंचायतों के पंचायत सचिव सुरेश राम, मुखिया कलावती देवी, विनोद कुमार राम, नारायण दास यादव, सरिता देवी समेत सदस्य वार्ड एवं ग्रामीण भी मौजूद थे। धन्यवाद।